सो फ्रेंड्स, टीवी खरीदते समय मोस्टली लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो एक आईपीएस पैनल वाला टीवी ले या फिर वो एक वीए पैनल वाला टीवी ले। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, वीए पैनल या फिर आईपीएस पैनल, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको वही पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको, मुझे या फिर एक नॉर्मल कंज्यूमर को फर्क पड़ता है अपने टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस में। एंड अगर आपने वाली वीडियो बिल्कुल एंड तक देखी तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सही डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा फैक्टर है वीए पैनल एंड आईपीएस पैनल के डिफरेंसेस का, एंड वो है व्यूइंग एंगल्स। यानी कि जब आप अपनी टीवी को फ्रंट से देख रहे हो तो जो पिक्चर क्वालिटी आपको फ्रंट से देखने पे मिल रही है, क्या वैसी पिक्चर क्वालिटी आपको अपने साइड से देखने पे भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक वीए पैनल की टीवी को साइड से देखने में आपको कलर में, ब्राइटनेस में एंड जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी होती है उसमें एक साइजेबल लॉस देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप जानना चाहते हो कि कितना साइजेबल लॉस मिलेगा, तो वैसे तो ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट पैनल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। बट फिर भी एक आपको 25 से लेके 30% के अराउंड आपको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में। और अगर आप एक वीए पैनल वाली टीवी को अगर 30 एंगल्स से ज़्यादा साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एंड इससे अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा जाओगे, बेसिकली आप मान लीजिए मैक्सिमम, इससे अगर आप ज़्यादा जाओगे तो आपको बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और वहीं बात करें हम आईपीएस पैनल की, तो अगर आप एक आईपीएस पैनल की टीवी को अगर 70 डिग्री तक भी देखते हो तो आपको कोई ऐसा एक मेजर लॉस नहीं मिलेगा कोई पिक्चर क्वालिटी में या फिर ब्राइटनेस में। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपको जो ब्राइटनेस में वो थोड़ा बहुत लॉस देखने के लिए मिले जब आप एक्सट्रीम साइड में देखें अपने एक आईपीएस पैनल को। बट इसे हम अगर रियल लाइफ सिनेरियो से देखें तो हम में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो टीवी को सामने से ही देखते हैं, लेकिन सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के सिनेरियो होता है। और अगर आप अपनी टीवी को डिफरेंट डिफरेंट जगह से देखते हो, फॉर एग्जांपल कभी सोफे बैठ के आप देख रहे हो, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप देख रहे हो या फिर कभी नीचे बैठ के देख रहे हो, तो डेफिनेटली इस केस में आपको एक आईपीएस पैनल वाला टीवी ही लेना चाहिए अगर आपको बेस्ट क्वालिटी देखनी है हर एंगल से। और नेक्स्ट पॉइंट सुनने से पहले यार, डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, सिर्फ आपका एक सेकंड लगेगा और डेफिनेटली मुझे इससे काफ़ी अच्छा लगेगा। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसमें अपना वीए पैनल विनर है, एंड वो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। यानी कि जो आपकी टीवी है उसमें ब्लैक्स कितने डीप ब्लैक हैं एज कम्पेयर टू द ब्राइटेस्ट शेड ऑफ वाइट जो आपका टीवी दिखा सकता है। तो इसमें एक एवरेज वीए पैनल का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो एक नॉर्मल अपने आईपीएस पैनल से 3 times ज़्यादा होता है। यानी कि आपको नॉर्मली एक वीए पैनल में, मतलब आप बोलो मिनिमम आपको एक वीए पैनल में 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिलेगा, और वहीं मैं बात करूँ आईपीएस पैनल की तो आपको वहाँ पे सिर्फ 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिलेगा। विच मीन्स जितना ज़्यादा आपके टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा उतने ज़्यादा आपको ब्लैक डीप दिखेंगे एंड आपको उतनी ही विविड पिक्चर क्वालिटी आपके टीवी में देखने के लिए मिलेगी। एंड उसी के साथ आपको एक काफ़ी कॉन्ट्रास्टिव पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी जो डेफिनेटली हम अपनी टीवी से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है दोनों पैनल के ब्लैक्स को और डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एंड वो है ब्लैक्स यूनिफॉर्मिटी लेवल। यानी कि जो ब्लैक्स में आपको डार्कनेस देखने के लिए मिल रही है अपने टीवी के किसी भी पोर्शन में, क्या वो सेम डार्कनेस आपको अपने टीवी के पूरे पैनल में देखने के लिए मिल रही है अगर हम कोई भी एक ब्लैक कलर आपके टीवी पे शो करें तो। एंड अगेन यहाँ पे अपना जो वीए पैनल है वो विनर है। यानी कि आपको एक वीए पैनल में काफ़ी अच्छी ब्लैक यूनिफॉर्मिटी लेवल आपको देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू एनी आईपीएस पैनल। आपको आईपीएस में हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे ब्लू स्टोन देखने के लिए मिले या फिर थोड़ा ग्रे स्टोन देखने के लिए मिले अपने ब्लैक्स के अंदर। बट हम कलर्स की बात करें तो एक आईपीएस पैनल से ज़्यादा एक्यूरेट कलर दिखाए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी वीए पैनल। बाकी अगर आप अपने टीवी को एज अ मॉनिटर भी यूज़ करना चाहते हो एंड उस पर कुछ ऐसे काम करना चाहते हो जहाँ पे कलर एक्यूरेसी मैटर करती है, तो डेफिनेटली आपको कलर्स के डिपार्टमेंट में आईपीएस ही आपकी सही चॉइस रहेगी। नाउ अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। यानी कि जो आपके पैनल है उसको एक कलर में से दूसरे कलर में शिफ्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। एंड बेसिकली हम इसको मेज़र करते हैं कि एक बार ब्लैक से वाइट होने में एंड वाइट से अगेन ब्लैक होने में उसको कितने मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है, इसको हम रिस्पॉन्स टाइम से डिनोट करते हैं। एंड ये चीज़ मोस्टली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने टीवी पे गेमिंग करना चाहते हैं, कोई फास्ट एक्शन सीन देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स वाला कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो जितना मिलीसेकंड आपको कम देखने के लिए मिलेगा उतना ही आपको मोशन ब्लर भी कम देखने के लिए मिलेगा।
एंड जनरली आपको आईपीएस पैनल में जो अपना रिस्पांस टाइम है वो कम देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी वीए पैनल। बाकी वैसे तो ये अपने जो पैनल की क्वालिटी होती है इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, चाहे फिर वो वीए पैनल हो या फिर आईपीएस पैनल हो। एंड अगर यहाँ पे हम मार्केट में ऑप्शंस की बात करें तो डेफिनेटली जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको वीए पैनल में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं टीवीस के केस में, एंड आईपीएस में आपको थोड़े कम मिलते हैं। नाउ अब अपने फाइनल पॉइंट पे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो आप लाइक तो कर ही सकते हो और एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आप इस टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ अब हम फाइनल पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर आप अपनी टीवी को कोई ऐसे रूम में लगा रहे हो जहाँ पे लाइट्स काफ़ी डिम रहती है एंड वहाँ पे आप टीवी पर्टिकुलरली बिल्कुल लाइट बंद करके या फिर बहुत कम रोशनी में देखते हो तो वहाँ पे आपको एक वीए पैनल वाली टीवी लेनी चाहिए। और अगर आप किसी ब्राइट रूम में अगर टीवी लगाना चाहते हो जैसे कि हॉल हो गया या फिर कोई भी ब्राइट रूम हो गया तो वहाँ पे आपको एक आईपीएस पैनल वाली ही टीवी लेनी है। बट मैं इन स्टेटमेंट से फुल्ली एग्री नहीं करता, यानी कि अगर आप कोई ऐसे रूम में लगाना चाहते हो जहाँ डेफिनेटली बिल्कुल डिम लाइट रहती है या फिर बिल्कुल डार्क होता है तो उस कंडीशन में मैंने तो कभी आज तक टीवी देखी नहीं है और ना ही मैं किसी को वैसी कंडीशन में टीवी देखने के लिए रिकमेंड करता हूँ रेगुलरली। बाकी अगर आपको अगर ऐसे रूम में कोई टीवी देखनी है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे वीए पैनल वाली टीवी ही लेनी है, क्योंकि आईपीएस पैनल में काफ़ी ऐसे जो ब्लैक्स होते हैं वो आपको इतने ब्लैक नहीं दिखेंगे एंड हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करें। बट वहीं हम बात करें एक ब्राइट रूम की, तो मेरे अकॉर्डिंगली आप एक ब्राइट रूम में वीए या आईपीएस पैनल में से कोई भी टीवी लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ब्राइट रूम में सिर्फ और सिर्फ आईपीएस पैनल वाली टीवी लगानी है। एंड आपके लिए टीवी चूज करने के लिए एक और बोनस पॉइंट, यानी कि जब भी आप टीवी चूज कर रहे हो तो आप किसी टीवी का ऐसा एक पैनल यानी कि आईपीएस एंड वीए में डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता सकते कि उस टीवी की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिससे पिक्चर क्वालिटी और ज़्यादा इफेक्ट करती है, लाइक ब्राइटनेस, पिक्चर प्रोफाइल, यानी कि आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितने अच्छे से उस पैनल की जो क्वालिटी है उसको ट्यून किया है एंड कौन सा बैकलाइट मेथड इसमें यूज़ किया है, लाइक डीलेड यूज़ किया है या फिर ईलेड यूज़ किया है, यहाँ पे माइक्रो डिमिंग का यूज़ किया या फिर फुल एरे बैकलाइट का यूज़ किया एंड सो ऑन। एंड इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप कोई टीवी ले रहे हो तो सबसे पहले उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो एक बार आप अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि एक टीवी होती है वो नॉर्मल हम मिनिमम से मिनिमम 5 ईयर्स के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और आपको डिस्क्रिप्शन में इस पोस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मैं जो बेस्ट रिकमेंडेड टीवी होती है मेरे अकॉर्डिंगली वो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप मुझे इस फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बाकी अगर आप जो मोस्टली ऑनलाइन बैड रिव्यूज होते हैं उनकी रियलिटी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट वाला कंपैरिजन चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।